और ये कुंदनपुर इटावा जिले में पड़ता है। इटावा जिला सुनो है? है? किस किस ने इटावा जिला सुना? इटावा का नाम, हाँ इटावा में ही ये पड़ता है कुंदनपुर। तो महाराज ध्यान रखना, आज पंडित जी ने कहा कन्हैया आगे ना चले हो, तो पंडित कन्हैया बोले नहीं नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? भगवान कन्हैया बोले इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी सुसपाल की सेना, और अगर काऊ को भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ आया है तो पंडित जी मेरी हड्डी को सुरमा बनाए दो, जो हम नहीं जाइए। रुकमणी से कह देना जा करके कि उसे आना हो तो यही आ जाए, मैं उसे यहीं से ले जाऊंगा। पंडित जी रुकमणी के पास में पहुंचे, रुकमणी बोली ले आए कन्हैया को? पंडित जी बोले ले आए कन्हैया को? कौन? बोले गौरी मंदिर के पास में खड़े। तो पंडित जी बोले ऐसा करो कि वही चली जाओ, वही से वही कन्हैया के संग में चली जाइयो। रुकमणी बोली ठीक है महाराज। पंडित जी वहां से चले गए। रुकमणी ने आरती का थाल सजाया। रुकुम से पूछा भैया तुम जब तो जानते ही हो कि आज नहीं कल मेरी शादी है जाइए और हम अपने ससुराल चले जाइए, तो ससुराल जाए से पहले एक बार मैं माँ गौरी का पूजन करना चाहती हूँ। तो रुकुम बोले ठीक है चली जाओ, लेकिन अकेली ना जाओ, कछु लड़कियों को संग लिवाए जाओ। तो रुकमणी ने दो चार लड़कियों को संग ले लो, और महाराज संग लेके चली माँ गौरी मंदिर के पास में पहुंची। तो न रुकमणी ने कभी कन्हैया को देखा था और न कन्हैया ने कभी रुकमणी को देखा था। तो अब महाराज भगवान कन्हैया रथ पे सवार होकर के खड़े, अब सामने से दो चार सहेलियां रुकमणी के संग चली आ रही। अब भगवान पर ये चक्कर में भगवान सोचने लगे कि हमने बुलाई थी इन पे एक रुकमणी, लेकिन इन तो जो पंचे रुकमणी चली आ रही है, अब हमें किने किने लिवाए जाइए और हम पता कैसे करिए कि इसमें कौन सी रुकमणी मेरी वाली है। अब भगवान कहने लगे कि अब हम कौन कौन को और ले जावे सब एक कई रूप यादव, रुद्रपुर से 50 रुपए विनोद यादव, 100 रुपए